हाल ही में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने आईपीएल मीडिया राइट्स ऑक्शन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि आईपीएल प्रीमियर लीग से भी ज्यादा की कमाई करता है और ऐसे में अब वो दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट के तौर पर आगे बढ़ रहा है। रविवार को आईपीएल मीडिया राइट्स की नीलामी का पहला दिन हुआ आगे आने वाले 5 सीजन के लिए, और पहले ही दिन 43,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई बोली और आईपीएल बन गई दुनिया की दूसरी सबसे महंगी लीग। ये एज ऑफ संडे की हम बात करें, डे वन ऑफ ऑक्शन। माना जा रहा है कि बीसीसीआई को इस बार 45,000 से 50,000 करोड़ रुपए तक मीडिया राइट्स के जरिए मिल सकते हैं। बोर्ड को आईपीएल की कमाई का 70% हिस्सा यहीं से मिलता है, और खास बात यह है कि इस कमाई पर उसे टैक्स भी नहीं देना पड़ता है, क्योंकि इनकम टैक्स के सेक्शन 12A के तहत बीसीसीआई को आईपीएल की कमाई पर टैक्स देने की छूट है। देखिए, पहले दिन भारतीय उपमहाद्वीप के टीवी और डिजिटल राइट्स के लिए बायकॉम 18, स्टार और सोनी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। पहले दिन टीवी राइट्स प्रति मैच 56 करोड़ रुपए तक गए हैं, वहीं डिजिटल राइट्स प्रति मैच 48 करोड़ रुपए तक गए हैं। राइट्स जीतने वाली कंपनी के नाम की घोषणा 13 जून को हो सकती है। अब देखिए, अभी तक जो बोली लगी है उसके मुताबिक बीसीसीआई को आईपीएल के एक मैच के एवरेज में 104 करोड़ रुपए मिलना तय हो गया है। तो इस तरह एक मैच के ब्रॉडकास्ट राइट्स की जो रकम है उसके हिसाब से आईपीएल दुनिया की दूसरी सबसे महंगी लीग हो गई है। इससे ज्यादा रकम सिर्फ अमेरिका की नेशनल फुटबॉल लीग को मिली है। नेशनल फुटबॉल लीग NFL को हर मैच के ब्रॉडकास्ट राइट्स के लिए 132 करोड़ रुपए मिलते हैं। सोमवार को आईपीएल की रकम में और इजाफा होना तय है, और ऐसे में दिलचस्प होगा क्या फिगर फाइनली सामने आता है। देखिए, अब आईपीएल मीडिया राइट्स के लिए 4 अलग अलग पैकेजेस की बोली लगाई गई है। आजकल डिजिटल मीडियम जो है उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है, और यही वजह है कि आईपीएल 2023 से आईपीएल 2027 के लिए मीडिया राइट्स को 4 पैकेजेस में बांटा गया है। ये 4 पैकेज हैं: टीवी मीडिया राइट्स, डिजिटल मीडिया राइट्स, प्लेऑफ मुकाबलों के राइट्स और भारतीय महाद्वीप से बाहर के राइट्स। अब इन पैकेजेस को इस आधार से बांटा गया है कि आने वाले 3 सीजन में हर साल 74 मैच और आखिरी के 2 सीजन में 94 मैच की व्यवस्था की जाए। हर पैकेज के लिए अलग से बेस प्राइस भी रखा गया है, जिसके बाद बोलियों की शुरुआत की गई थी रविवार से। टीवी मीडिया राइट्स का बेस प्राइस 49 करोड़ रुपए प्रति मैच है। डिजिटल मीडिया राइट्स का बेस प्राइस 33 करोड़ रुपए प्रति मैच है। पैकेज सी में 11 करोड़ रुपए प्रति मैच है और पैकेज डी में 3 करोड़ रुपए प्रति मैच का प्राइस है। नीलामी के लिए 12 कंपनियों ने टेंडर फॉर्म खरीदे थे। अब टेबल पर 7 कंपनियां नीलामी में बोली लगाने के लिए मौजूद हैं: वायाकॉम, रिलायंस, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, सोनी पिक्चर्स, जी ग्रुप, सुपर स्पोर्ट, टाइम्स इंटरनेट, फन एशिया नीलामी में भाग ले रही हैं। बीसीसीआई ने जब मीडिया राइट्स का बेस प्राइस 32,000 करोड़ रुपए रखा था, तब हर कोई हैरान था, क्योंकि आईपीएल 2022 में टीवी रेटिंग्स काफी कम रही थी, लेकिन इसके बाद भी आईपीएल पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा था। बेस प्राइस के मुताबिक माना जा रहा था कि ऑक्शन में बोली 60,000 करोड़ तक जा सकती है। जी हाँ, क्योंकि पहले Amazon और Reliance जैसी बड़ी कंपनियों में जो लड़ाई थी उसमें उसकी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन Amazon जो है, Amazon के नाम वापस खींचने के बाद ये उम्मीद कम लग रही है। इसके बाद भी अगर ऑक्शन 50,000 करोड़ तक जाता है तो इसमें हैरानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं होगी। और खास बात ये भी है कि इस बार टीवी राइट्स और डिजिटल राइट्स अलग अलग कंपनियां भी खरीद सकती हैं, कॉम्पोजिट वाला सिस्टम नहीं है। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया यानी BCCI आने वाले 5 सालों में आईपीएल के 410 मैच आयोजित कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक बोर्ड ने यह प्रस्ताव इसलिए तैयार किया है ताकि मीडिया राइट्स ऑक्शन में ब्रॉडकास्टर्स ज्यादा से ज्यादा बोली लगाएं। बोर्ड 2023 से 2024 में 74-74 मैच ही कराने जा रहा है। उसके बाद साल 2025 और 2026 में मुकाबलों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
इन दोनों साल में 84 मुकाबले होंगे। 2027 में 94 मैच कराने की योजना है। दिलचस्प होगा देखना अगर IPL जो है वो ज़्यादा लंबा होता है, क्या ये अलग अलग सीजन में खेला जाएगा या एक साथ भी खेला जाएगा। बड़ा टूर्नामेंट होगा तो ये क्रिकेट कैलेंडर जो है ओवरऑल पूरी दुनिया का वो किस तरह से असर होगा इसका, और वर्कलोड मैनेजमेंट जैसी बातें भी सामने आएंगी। खैर वो बहुत आगे की बात है, लेकिन IPL मीडिया राइट्स में किस तरह से मालामाल होने जा रहा है BCCI, वो हमने आपको इस वीडियो में बताया। और आने वाली जो तमाम अपडेट्स होंगी इस ऑक्शन के मुताबिक और खेल जगत से तमाम जो बड़ी खबरें होंगी वो सब हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ सिर्फ न्यूज़ तक पर।